अगर आप बलूचिस्तान से वाकफियत रखते हैं तो इस किस्म की हरियाली और ऐसा सब्ज़ा देख पाना एक गैर मामूली सी बात है। ये हमारा कोह सुलेमान है, मशरकी बलूचिस्तान, रोत कोहियों की सरजमीन और दरिया सिंध का साथी। जुग्राफियाई तौर पे देखा जाए तो बलूचिस्तान सतह मुर्तफा ईरान का मशरकी कोना है और उसके ऐन मशरक में वाके ये सब्ज पहाड़ी सिलसिला, ये हमारा कोह सुलेमान है। अगर उकाब की आंख से देखा जाए तो कोह सुलेमान कुछ यूं नजर आएगा। ये जो तारीख हिस्से है, ये दरख्तों से भरे पहाड़ है और ये सफ़ेद पहाड़ियाँ दरअसल जिप्सम है जो कि मिट्टी को सोने की तरह ज़रखेज़ बनाती है। मशरकी बलूचिस्तान के इस इलाके की हरियाली की सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान से आने वाली मानसून की घटाएं और ईरान की तरफ से आने वाली सर्दियों की बारिशें दोनों इस इलाके को सैराब करती है। कोह सुलेमान के कदीम जंगलात जंगली जैतून और खौर के दरख्तों पर मुश्तमिल हैं। खौर जिसे जवान होते 5 से 6 सदियां दरकार होती हैं, वे हमारे बुजुर्ग पीर दरख्त कहते थे, उनसे अकीदत रखते थे और उनको काटना गोया गुनाह कबीरा समझा जाता था। मगर सड़क आने के बाद कोह सुलेमान की रवायात मान पड़ती जा रही है और पैसे के इव्ज कदीम जंगलात का बेतरीक कत्लेआम जारी है। कोह सुलेमान के कदीम जंगलात और खासकर खौर के दरख्त इंसानियत का एक कीमती असासा है, जिन्हें बचाने के लिए रियासत पाकिस्तान को हंगामी बुनियादों के ऊपर कवानीन बनाने होंगे और उन पर अमल दरामद भी यकीनी करना होगा। और लकड़ी के कारोबार खासकर कदीम जंगलात के कटाव में मुलव्वस इदारों और अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी।